अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन डिजाइन अ ब्रिज नेटवर्क जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फिगर आउट कर सकते हैं। सो हम वो स्टडी करने वाले हैं क्योंकि इसके आगे भी एप्लीकेशन हैं। नॉर्मली अननोन रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना हो सो व्हीटस्टोन मीटर भी जब हम यूज़ करते हैं तो पहले व्हीटस्टोन नेटवर्क देखते हैं फिर देखते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। सो पहले देखते हैं एग्जैक्टली ये ब्रिज नेटवर्क दिखता कैसे है। सो ये नेटवर्क में हमारे पास चार रेजिस्टेंस होते हैं और इनका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। सो एज वी कैन सी चार रेजिस्टेंस हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं नाम दे दूं, मैं लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ओके दिस इज माय कनेक्शन। सो एज वी कैन सी टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, बट अगर मैं ब्रांच को कंपेयर करूँ तो ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे से पैरेलल में। सो अगर मैं इनको नाम दूँ, लेट्स नेम देम, लेट्स से दिस इज आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर फोर। सो दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन नेटवर्क। अभी इसको ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ब्रिज करने के लिए हमको बी और डी को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो बी और डी को कनेक्ट करना पड़ेगा, पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हीटस्टोन नेटवर्क का ये कहना है कि अगर आर वन बाय आर टू इन दिस नेटवर्क, इफ आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, इस कंडीशन पे यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा, या फिर उल्टा, अगर यहां से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है बी और डी के बीच में, ये जो बीच में ब्रिज बना है बी और डी के बीच में, अगर यहां से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है फ्रॉम दिस ब्रांच, तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस केस के लिए आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, व्हाट इज कंडीशन, कि सेंटर से आपका जो आई आई जो होगा वो जीरो होना चाहिए ये ब्रिज में बी डी के लिए। सो इसको हम प्रूफ करेंगे, ये तो प्रिंसिपल हो गया, इसको अप्लाई भी करेंगे। पहले प्रूफ करते हैं कि ये आया कहाँ से। तो उसके लिए कंडीशन क्या बोला है कि सेंटर से यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो होना चाहिए जीरो। सो लेट्स से द करंट पासिंग फ्रॉम सेंटर, इसको चेक कैसे करेंगे, करंट को चेक करने के लिए हमको डिवाइस लगाना पड़ेगा। लेट्स से वी अटैच्ड गैल्वेनोमीटर जस्ट टू मेक श्योर वेदर द करंट इज पासिंग ऑर नॉट। सो हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया, लेट्स रिप्रेजेंट गैल्वेनोमीटर बाय जी, कैपिटल जी, ओके। सो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपका करंट डिटेक्ट करता है। सो अगर यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। सो हम अज्यूम करके चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा। तो अगर करंट पास नहीं हो रहा तो हमको इक्वेशन लाना है आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। दिस इज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट से यहाँ से जो करंट जा रहा है दिस इज आई, एज वी कैन सी पॉइंट ए इज ए जंक्शन विच मीन्स करंट यहाँ से स्प्लिट होगा। सो लेट से दिस इज आई वन एंड आई टू, टू कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम करंट आई। सो आई वन और आई टू में करंट स्प्लिट हुआ, अब यहाँ से करंट जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी होगा आई वन। अब बी पॉइंट मेरा वापस एक जंक्शन, यानी करंट यहाँ से वापस स्प्लिट होगा। अब मुझे नहीं पता कितना स्प्लिट होगा, बट जस्ट बिकॉज कुछ करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास होगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग द करंट इन ब्रांच बी डी बाई आई जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। सो जो भी करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा उसको मैंने बोला आई जी। अब यहाँ पे बचेगा कितना करंट, ऑलरेडी करंट आया था आई वन, उसमें से आई जी चला गया। कैन आई से द करंट इन ब्रांच बी सी विल बी आई वन माइनस आई जी। सो फार सो गुड, ठीक है। अब तक मैंने कितने ब्रांच पे करंट बना दिया, ए डी भी बना दिया, ए बी भी बना दिया, बी सी बना दिया, एक ही ब्रांच जाएगी अब। अच्छा, सेंटर वाले से तो आई जी पास होने वाला है वैसे का वैसा, नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ से भी करंट नीचे के डायरेक्शन में पास होगा, यहाँ से भी ऐसे पास होगा, एक ही ब्रांच बचा है डी सी। अब डी सी पे क्या होगा, डी सी पे करंट आई टू यहाँ से आ रहा है ऑलरेडी और ऊपर से आई जी करंट आ रहा है, दोनों यहाँ पे ऐड होकर यहाँ से ऐसे जाएंगे। सो इस ब्रांच में मुझे करंट मिलेगा आई टू प्लस आई जी, फाइन। अब ये पूरा करंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट होगा यहाँ से आ रहा है आई वन माइनस आई जी और यहाँ से आ रहा है आई टू प्लस आई जी। अभी दोनों ऐड होगा क्योंकि यहाँ से देखो किरचॉफ लॉ के हिसाब से करंट अंदर आ रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो
क्या बोल सकता हूँ, माइनस आई जी प्लस आई जी कट हो जाएगा, राइट। माइनस आई जी प्लस आई जी कट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मुझे मिला आई वन प्लस आई टू। और हमने स्टार्टिंग में देखा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ से जो करंट होगा वो आई होगा। मुझे लॉजिकल यहाँ से आई करंट आ रहा है, वापस यहाँ से आई करंट ही जाएगा, फाइन। तो ये सब हटा देता हूँ, हमको पता है करंट आई एंटर करेगा, करंट आई लीव करेगा। ओके, नाउ वी नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ हियर टू फाइंड व्हाट वी नीड, हमको जो फॉर्म चाहिए लाने के लिए। सो लेट्स टेक अ लूप, लेट टेक लूप ए बी डी ए, कौन सा ये वाला ट्राइंगल, ए बी डी ए। सो डायरेक्शन आई एम टेकिंग इज क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट लूप में भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, ए बी डी ए। सो इन लूप ए बी डी ए, अब ए टू बी अगर मैं जाऊँ, वापस देखो हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ जो थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए साइन दे देता हूँ। ए से बी जब हम जाएंगे और मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, लेट्स से करंट इज आई एंड रेजिस्टेंस इज आर, सो फॉर दैट केस ये होगा हमारा माइनस आई आर। जब डायरेक्शन मैच करेंगे अगेन, जब ए से बी जाएंगे थ्रू अ रेजिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, सो फॉर दिस केस पोटेंशियल विल बी प्लस। ये होगा मेरा करंट का, सेम करते हैं ईएमएफ का भी फटाफट। आई गेस सबको अब तक तो याद रह गया रहेगा ये, फिर भी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो। सो वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड ऑब्वियसली विल बी लीविंग नेगेटिव टर्मिनल व्हेन वी गो ए टू बी, सो दिस विल बी माइनस ई। और अगर ये बैटरी उल्टा हो, यानी कि इफ दिस बैटरी इज नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ए एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू बी, फॉर दैट केस विल बी हैविंग प्लस ई, जस्ट बिकॉज विल बी एंटरिंग नेगेटिव एंड लिविंग पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन दिस लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, इन ब्रांच ए बी वी हैव वन रेजिस्टेंस दैट इज आर वन, करंट पासिंग थ्रू इज आई वन, एज वी कैन सी ए टू बी डायरेक्शन इज सेम, दिस विल बी नेगेटिव। बी टू डी, बी टू डी आपका करंट है आई वन आर वन, बी टू डी करंट है आई जी, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बट सिंस मैंने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच किया है, वो एक डिवाइस है उसके थ्रू भी जो करंट पास होगा, गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ करंट होगा, सो वो करंट को मैंने लिया है कैपिटल जी, एंड अगेन डायरेक्शन इज सेम माइनस साइन। बी से डी होगा, बी से ए, लूप खत्म होगा, देखो ट्राइंगल है बी से ए। सो बी से ए एक रेजिस्टेंस है आर थ्री, करंट है आई टू, बट द डायरेक्शन ए टू बी एंड सॉरी डी टू ए एंड ए टू डी, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस इज इक्वल टू जीरो, सिंस देर आर नो ई एम एफ इन्वॉल्व इन दिस लूप, वी ऑल नीड टू टेक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला माइनस आई वन आर वन माइनस आई जी इंटू जी प्लस आई टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। बट लेट्स ऑल्सो कंसिडर वन मोर थिंग, फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू वर्क, दिस ब्रिज जो हमने बी और डी को कनेक्ट कर रहा है, जो इन दोनों वायर को कनेक्ट कर रहा है, इससे करंट पास नहीं होना चाहिए। अगर इससे करंट पास नहीं होगा, दैट मीन्स आई जी इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका आई जी जीरो हो जाएगा, अगर आई जी ही जीरो हो गया तो इंटू जी भी जीरो ही हो जाएगा, विच मीन्स वी हैव माइनस आई वन आर वन माइनस जीरो प्लस आई टू आर थ्री। सो ये टर्म है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये टर्म को वो साइड लेके जाऊंगा, ये प्लस है ये माइनस है, सो इससे मुझे मिलेगा आई टू आर थ्री इज इक्वल टू आई वन आर वन। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया हो, कुछ किया नहीं मैंने ज़्यादा इसमें, ये तो जीरो था, है नहीं फर्क नहीं पड़ता। ये जो माइनस टर्म है वो साइड लेके गया,
तो मुझे ये मिल जाएगा प्लस में. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सो मैंने एक लूप लिया ए बी डी ए, मुझे ये इक्वेशन मिला. अब इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को साइड में रख देता हूँ मैं. द इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, आई टू आर थ्री इज इक्वल टू आई वन आर वन. लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर वन. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हम दूसरा लूप लेंगे. सो लेट्स से सेकेंड लूप. तो सेकेंड लूप हम कौन सा लेंगे, लेट्स से हम लूप लेते हैं यहाँ पे लूप. लास्ट टाइम हमने क्लॉकवाइज दिया था, राइट, ए बी डी ए, इस बार भी क्लॉकवाइज देना पड़ेगा, बी सी डी बी. सो लूप इज बी सी डी बी. सो सेकेंड लूप इज बी सी डी बी. सेम ऐसा इक्वेशन को फिगर आउट करना है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके. स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट जाऊंगा. बी से लेके सी, सो बी से लेके सी आपका करंट है आई वन माइनस आई जी. एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, थोड़ा जगह बचे. ओके, आई वन माइनस आई जी बी टू सी, रेजिस्टेंस इज आर टू, डायरेक्शन इज सेम, विच मीन्स दिस विल बी माइनस. सी टू डी, बी से सी, सी टू डी, रेजिस्टेंस इज आर फोर, करंट इज आई टू प्लस आई जी, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, मैं सी टू डी जा रहा हूँ, वो डी से सी जा रहा है, दैट मीन्स प्लस. एंड लास्ट डी से लेके बी आई जी इंटू कैपिटल जी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैं डी से बी जा रहा हूँ, करंट बी से डी आ रहा है, प्लस इज इक्वल टू जीरो. नाउ सिंस वी ऑलरेडी नो आई जी जीरो, तो जहाँ जहाँ आई जी, वो टर्म जीरो कर देंगे, आई जी जीरो, यहाँ पे भी आई जी जीरो, यहाँ पे भी आई जी जीरो. तो ये आई जी अगर मैंने जीरो पुट किया तो मेरा इक्वेशन मुझे मिलेगा माइनस आई वन आर टू, ये जीरो हो गया, प्लस आई टू आर फोर, ये भी जीरो, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा आई जी इंटू जी करूँगा तो. सो मुझे मिलेगा माइनस आई वन आर टू प्लस आई टू आर फोर इज इक्वल टू जीरो. विच कैन ऑल्सो बी रिटन, इसको अगर मैं वो साइड लेके जाऊँ, दिस विल बी आई टू आर फोर इज इक्वल टू आई वन आर टू. दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो बाय फार वी हैव टू इक्वेशन, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं. इट इज आई टू आर फोर इज इक्वल टू आई वन आर टू. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर टू. ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ. हमको जो इक्वेशन चाहिए मिल गया, हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया दोनों लूप पे. अब एक स्टेप करना है, हमको हमारा फॉर्म मिल जाएगा. सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, वन डिवाइड बाय टू. ओके, सो इक्वेशन वन इज आई टू आर थ्री अपॉन आई टू आर फोर विच इज इक्वल टू आई वन आर वन अपॉन आई वन आर टू. ओके, एल एच एस डिवाइड किया, आर एच एस डिवाइड किया, कैंसिलेशन, आई टू कट, आई वन कट, एंड हियर वी हैव आर फॉर्म, दैट इज आर थ्री बाई आर फोर इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू. वेन वेन वी हैव आई जी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन. जब आई जी जीरो होगा तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे बैलेंस नेटवर्क, ऐसे ब्रिज को बोलेंगे बैलेंस ब्रिज, जब ये कंडीशन रहेगा तब. अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, फाइन. सो इसको लिखने के तरीके, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, बोथ आर इन द सेम. इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो ये इधर है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो भी चलेगा. बट हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको हम कुछ गलत ना कर दे. जैसे कि अगर मैंने आर वन इधर लिया, आर फोर इधर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. जैसे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ऑल थ्री आर वन इन द सेम. इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो डू द सेम टू दिस, आर टू आर फोर आर वन आर थ्री, ये सारे सेम है.
देखो वापस वापस क्यों बता रहा हूँ, इट इज ऑब्वियस ना, जहाँ वहाँ सफल कर सकते हो, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आप लिखोगे फॉर्मूला, बहुत अच्छी बार हम फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, अगर आप इसको पुट करने में गलती कर दोगे ना तो आपका ये फॉर्म गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, इसको देखो मैं इसका एक वर्जन देखते हैं, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, सो ये फॉर्म गलत है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे लिखा और ये जो चार लिख, ये सेम नहीं है, ये अलग है। चाहिए तो इससे कंपेयर करके देख लो, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, क्या इसको आप यहाँ से ऐसे उल्टा कर सकते हो? देखो आर फोर ऊपर आ गया, आर थ्री नीचे आ गया, नहीं कर सकते, ये मेरा फॉर्मूला ही गलत है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो मेरा सम का आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो जैसे चार करेक्ट वर्जन है वैसे चार गलत वर्जन भी, तो फिगर आउट कैसे करेंगे? एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम याद रख सकते हैं कौन सा तरीका करेक्ट है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जब भी हम ये फॉर्मूला ले गए, एक जेड या फिर एन बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? देखो जैसे यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ये दिया मैंने, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, एज यू कैन सी यहाँ पे एक एन बन रहा है, देखो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर उल्टा एन बन रहा है। अगर ये सीधा बनेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा मतलब कैसा रहेगा, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, वन टू थ्री फोर, कटिंग जेड बनेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, चेक कर सकते हो। देखो ये सारे एक ही है, अगर मुझे इसमें से ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे टू इधर है थ्री इधर है, बराबर, ये तो उल्ट स्विच कर दिया सिर्फ। देखो ये सब एक ही फॉर्म है, अब जैसे यहाँ पे आर वन को इधर नीचे लिया है, ऊपर आर टू है, तो देखो ये इधर आ गया रहेगा, ये इधर चला गया रहेगा, इसको उल्टा कर दिया रहेगा, तो उसके फॉर्म है। अब क्या नहीं करना है ये हमको ध्यान में रखना है, कि यहाँ पे आपका ओ नहीं बनना चाहिए किसी भी केस में, ओ यानी कभी भी ऐसे नहीं करना है, वन टू थ्री फोर, ये गलत हो जाएगा। आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ये फॉर्म गलत है, ओ बन रहा है, देखो। तो याद रखने की छोटा सा ट्रिक है कि ओ नहीं बनना चाहिए, अगर ये आपने फॉर्म लिखा तो आपका ये पूरा किया हुआ मेहनत, यानी आप जो भी पूरा फॉर्मूला, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लास्ट में ये फॉर्मूला डाल के, तो फाइनल आंसर आपका हमेशा गलत ही आएगा, किसी भी केस में ओ नहीं बनना चाहिए। देखो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ये फॉर्म भी गलत है, वन टू थ्री फोर, बनना चाहिए हमारा एन सीधा हो चाहे उल्टा हो, जेड सीधा हो चाहे उल्टा हो, ओ नहीं बनना चाहिए। तो अगर ये ट्रिक ध्यान में रखोगे तो ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता।